सो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है। एंड एक कन्फेशन स्ट्रेट अप। सो कुछ दिन पहले ना मेरा बर्थडे था 17 सितंबर को। एंड ऑनेस्टली इनिशियली मैंने प्लान किया था कि मैं एक सॉर्ट ऑफ बर्थडे व्लॉग बनाऊंगा जिसमें मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरा कैसा दिन गया है, क्या क्या रैंडमली थोड़ा मेरा मन कर रहा था, उस वाइब में था एक हफ्ते पहले। बट देन बर्थडे से एक दिन पहले मैंने वो आइडिया काइंड ऑफ ड्रॉप कर दिया, क्योंकि अब पता नहीं भाई तुम इससे रिलेट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बट बर्थडे पे ना एक सॉर्ट ऑफ प्रेशर सा होता है कि ना भाई कुछ इंजॉय करना है, कुछ फन सा करना है। तो एक वैसे भी प्रेशर होता है, और मुझे था कि अगर मैं व्लॉग बनाऊंगा तो शायद मैं थोड़ा फेक सा हो जाऊं, प्रिटेंड करने लग जाऊं कि कोई चीज मेरा मन भी नहीं कर रहा, बट मैं तुम्हें दिखाऊं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि भाई आज बर्थडे मेरा और मैं ऐसे करता हूं। बर्थडे वगैरह ऑब्वियसली स्पेशल तो होता ही है, बट मुझे था कि ये प्रेशर वगैरह छोड़ और मैं पूरे दिन वही करूंगा जो जेन्युइनली मेरा मन करता है, ऐसे नहीं कि ये करता था या ये करना है, तो वही जो भी मेरे दिल से आता तो मैंने कहा कि वही चीजें करूंगा। बिकॉज जैसे जैसे पता नहीं बड़े हो रहे हैं या क्या ये फेजेस चल रहे हैं, बट जो इंजॉयमेंट की वो होती है ना परिभाषा, मेरे मामा ने भी आज तक वर्ड यूज नहीं किया होगा, जो इंजॉयमेंट की डेफिनेशन होती है वो काइंड ऑफ चेंज होती जा रही है। तो फिर सीन ये था कि मैंने व्लॉग का प्लान वगैरह किया ड्रॉप, एंड आई वाज लाइक कि खुद भी नोटिस करता हूँ यार कि इस बार इस बर्थडे पे क्या मन कर रहा है करने का, क्या मन कर रहा है खाने का। एंड देखो जो मैंने नोटिस किया, वैसे तो तुम्हारे भाई को बहुत कुछ चाहिए, बहुत ऐसे भरा बैठा है, बट एक सिंपल डिसेंट सेटिस्फेक्शन वाली लाइफ के लिए मुझे एक अच्छी सी कॉफी मिल जाए जिसे मैं इंजॉय करूँ गुड डे बिस्किट के साथ बटर वाले, एंड बढ़िया दाल चावल मिल जाए जिसमें दाल हो मिक्स दाल या फिर तूर दाल जिसे मैं आजकल बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, मम्मी बना रही है। एंड या बस थोड़ा सा वर्कआउट और थोड़े से एग्स, होल एग्स प्रोटीन के लिए, एंड बस सॉर्टेड है तुम्हारे भाई का सीन। अब व्लॉग तो बनाया नहीं, पर तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। सुबह मैंने मस्त कॉफी का मन कर रहा था गुड्डे के साथ, तो वो खाए। दिन में मैंने मम्मी को बोल दिया कि मम्मी मेरी वही तूर दाल बना लो जो आजकल बना रहे हो, वही खाऊंगा। रात को बस सिंपल अपने घर वालों के साथ जो यूजुअली हम डिनर करने जाते हैं बाहर, वो किया। एंड बस मतलब यार सिंपली चिल किया, क्योंकि होता ना कि भाई बर्थडे पे ये करना है तुम्हें, वो करना है, कुछ चीजें हम पीयर प्रेशर में आके भी ज्यादा सॉर्ट ऑफ फन वगैरह करने की ट्राई करते हैं, बट आई वॉज लाइक यार जो मन कर रहा है वो करो। एक रात पहले मेरे भी दोस्त आए थे, हमने भी थोड़ा मस्त चिलविल किया था, बट उस दिन तो आई वॉज लाइक कि भाई जो मन आ रहा है, जो मन खाने का कर रहा है, जो मन जाने का कर रहा है वहीं जा। अब पता नहीं यार फेस कह लो या पता नहीं ऐसे चेंजेस हो रहे हैं, बट जितना मैंने देखा है कि सिंपलिसिटी में ही काफी फन है, और उससे मैं थोड़ा और अप्रिशिएट करने लग गया हूँ। पहले भी था, स्टार्टिंग से ही ज्यादा तुम्हारा भाई फ्लैश ही नहीं रहा है, या रहा है नहीं रहा है वैसे, बट भाई ये सब तो हुआ ही। बट जो सबसे स्पेशल चीज हुई इस बार बर्थडे पे वो था कि दिन में ही हमने 200 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए उसी दिन बर्थडे के। वैसे मैंने और मेरे पापा ने प्रेडिक्ट किया था कि मोस्टली नेक्स्ट हफ्ते होंगे हमारे जो सब्सक्राइबर्स 200K के कंप्लीट होंगे, बट बर्थडे वाले दिन ही वो 200 के और यूजुअल टाइम से और जल्दी हुए। आई रिमेम्बर पापा यहीं बैठे हुए थे, मैं और मम्मी यहाँ से देख रहे थे, और सामने लैपटॉप पे मैंने वो सब्सक्राइबर्स का काउंट डाउन लगाया हुआ था जिसमें वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे, और भाई एंड में जो होता ना कि वो एंड में नंबर हिट करने वाला पॉइंट होता है वो काफी क्रेजी था, बट वो दिन वाली जो मोमेंट थी भाई वो काफी स्पेशल थी। ब्लॉग तो बनाया नहीं, बट अगेन मैं तुम्हें फिर से थोड़ा स्नीक पिक दे देता हूँ। एक कम हो जाए, मजा आएगा। नो 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 वो दिखा रहा होगा बच्चा जो तेरी वीडियो देख के सब फेयर के लिए वो कर रहा होगा। करूँ ना करूँ, कह रहा होगा करूँ ना करूँ, क्लीन कर दे माँ के लिए कर दे। तो मतलब आज पापा खिलाएंगे। ये था सीन। एंड इस व्लॉग की भी शुरुआत मैं काइंड ऑफ ऐसे ग्रेटिट्यूड से करना चाहता था, क्योंकि भाई काफी बड़ी जर्नी हो गई यार, 200K हो गए, कभी सोचा नहीं था कि 100K भी होंगे, 100K क्या इवन 10K भी होंगे या 1K भी होंगे, 1K तो सोचा ही होगा, बट या काफी अनरियल था यार जो 200K हो गए, वो भी बर्थडे के दिन हो गए, तो वो काफी काफी ज्यादा क्रेजी था। एंड इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था काफी लोगों ने विश किया था, आई थिंक मेरे जो पुराने OG सब्सक्राइबर्स है उन्हें 3M सेशन की वजह से पता होगा कि 17 को ही आता है मेरा बर्थडे, पहले से उन्होंने विश करना शुरू कर दिया था मोस्टली। तो यार देखो मैंने अपनी तरफ से आई थिंक सबका किया ही है, आई वॉन्टेड की सबको रिप्लाई मिले, अगर तुम अलग से आउट ऑफ द ब्लू जाके विश कर रहे हो या कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हो, क्योंकि मैं बड़ा ओवरवेलम हो गया था भाई रात तक कि ये क्या दिन गया। एक बर्थडे भी होता है तो बर्थडे पे फालतू की फीलिंग्स आती है ना कि भाई बर्थडे हो गया है, ओ थैंक यू ये सब करो, ये 200K का अलग हो गया था, तो ऐसे बैठा नहीं था सोलो कि भाई क्या क्या चल रहा है, भाई क्या चल रहा है जिंदगी में, भाई थोड़ा लंबा सीन चल गया। सो या ऑल्सो भाई तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, ये आ गया हमारा इस मंथ का स्टैक। एंड एज प्रॉमिस जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में कहा था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में अपना इस मंथ का स्टैक दिखाऊंगा, बट उससे पहले आज है हमारा चेस्ट और डेल्ट्स का वर्कआउट, तो वो तुम्हें शॉर्ट ऑफ दिखा देता हूँ, एंड वो करने के बाद आराम से करेंगे अपना अनबॉक्सिंग, बट अभी वर्कआउट कर लेते हैं चलो। सो भाइयों मैं वापस एम्प्टी स्टमक वर्कआउट्स पे शिफ्ट हो गया हूँ,
वही लगाया तब से। सो यस भाइयों, मैं वापस से एम्प्टी स्टमक वर्कआउट्स पे शिफ्ट हो गया हूँ, क्योंकि मैंने नोटिस किया यार केला वेला खा लो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब बिल्कुल ही पेट में कुछ ना हो ना मेंटली काफी सही फील होता है। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट मुझे वो शार्प फीलिंग वो माइंडफुलनेस वर्कआउट के बीच थोड़ा ज्यादा होती है। मैं वैसे ही सही बताऊँ तो मैं वर्ड ऐसे ही पुट कर रहा हूँ, मुझे बस एम्प्टी स्टमक वर्कआउट्स पे मजा आ रहा है। 2-3 हफ्ते पहले की बात है, मैंने उस दिन केला खाया नहीं, मुझे था कि भाई पता नहीं वर्कआउट कैसा जाएगा, मुझे था कि यार शायद एनर्जी लेवल लो हो गया कुछ हो गए, बट कुछ फर्क नहीं पड़ा भाई। मैंने उस टाइम भी पीआर मारे और अभी भी ग्रोथ या तो स्टैग्नेंट रहती है या पीआर भी लग जाते हैं जो वैसे नॉर्मली कुछ खा के भी होती है। तो अगर तुम सोच रहे हो एम्प्टी स्टमक वर्कआउट ट्राई करने की तो कर सकते हो। अगर तुम इसका डर है कि भाई पीआर नहीं लगेंगे या स्ट्रेंथ में कुछ फर्क आएगा, तो ये तो मैं बोलूंगा फालतू की चीज है, ऐसा कुछ नहीं होगा। पूरे दिन भाई तुमने वो खाया है उससे एक दिन पहले, तो वो उसकी एनर्जी तो है, तुम्हारे ग्लाइकोजन स्टोर तो फिल्ड है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अगर एम्प्टी स्टमक वर्कआउट से मजा आता है तो करो, कोई डर नहीं है, तुम्हारा भाई दे रहा है ग्रीन लाइट। भाई लुक कैसे देते हैं मुझे ये बता दो कोई, ये लुक देने से क्या होगा? अगर भाई तू मेरे को मारने आ रहा है मुझे कुछ गाली दे दे भाई, पर लुक मत देना, कुछ बोल दे भाई। लुक देने से पता नहीं क्या होता कि भाई लुक दे दिया, सही है भाई। बाकी यार भाई पहुंच गया हमारे जिम, वो एनी टाइम वाली सिचुएशन तो नहीं है कि भाई लग रहे हैं 20-25 मिनट जाने में, आराम से यहीं अपना फीड है प्यारा सा 5 मिनट पहुंच जाओ। तो आज लगाएंगे हमारा चेस्ट और डेल्स का वर्कआउट, एंड तुम्हारा भाई बताएगा तुम्हें जिम सॉन्ग ऑफ द डे। मैं बीच में भूलने लग गया था, मुझे लग रहा था कि मैं सॉर्ट ऑफ भूल रहा हूँ, बट जिम सॉन्ग ऑफ द डे तुम्हारे से अच्छा मुझे भी ज्यादा मजा आता है बताने में, क्योंकि मन में सोच कि भाई ये गाना सुनना कितना बढ़िया है। मुझे याद है लास्ट ईयर बर्थडे के टाइम बड़ी मेरी प्यारी सी वाइब हो रही थी, तो जब मैं जिम जाने को था अपने बर्थडे के दिन ही गया था, उससे पहले हफ्ते मैंने एक फटाफट ना प्लेलिस्ट बनाई थी बर्थडे वर्कआउट करके, दो तीन तो मैंने तुम्हें बताए हुए हैं, बट सबसे पहला गाना है रेमन एंड ओजे जो है जॉनल लुकस और लिल बेबी का। तुम्हें पता ही है कि जॉनल लुकस मुझे, मैंने उसको आई थिंक एक दो गाने बताए भी हुए चैनल पे पहले, एंड बहुत टाइम भी हो गया मुझे सही बताऊं तो ये गाना सुने रेमन एंड ओजे। तो या आज का सिम जिम सॉन्ग ऑफ द डे है रेमन एंड ओजे, सुनो बढ़िया रैपी वाइब्स है, जिम वाइब है, एंड सुनो पीआर मारो और मुझको याद करो और बस एंजॉय करो। मैं बोलूंगा हर प्री वर्कआउट की एक विंडो होती है, तो एरोथेक्स के लिए मैंने एक विंडो फाइंड की है, 10-15 मिनट के बाद ये मेरे पहले सेट पे वर्किंग सेट पे हिट करने लग जाता है। तो अभी मुझे पता है कि मैं भी जिम जाऊंगा, आज व्लॉग शूट कर रहा हूँ खुद से, तो थोड़ा मैं इन द जोन आऊंगा, तो उसमें 10-15 मिनट लग जाएंगे, तो इसलिए मैं जिम के नीचे ही पी रहा हूँ, घर से पी के नहीं आया। आज मंगवाई भी है मैंने वैसे, एरोथेक्स का बड़ा वाला कंटेनर खत्म ही होने वाला है, तुम भी मंगवाओ और चेकआउट पर भाई का कोड आदेश एम भी यूज करो। एंजॉय। तो ये था मेरा सेकंड वार्म अप सेट, और यूजुअली इस वार्म अप सेट में मुझे आइडिया लग जाता है कि अब मेरा जो पहला वर्किंग सेट होगा उसको मैं एज अ पीआर के मेंटालिटी से परफॉर्म कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, या कैसा वो सेट जाएगा। तो अभी तो ठीक फील हो रहा है, अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैंने लास्ट टाइम 60 kg से मैं एक स्टैग्नेंट था मेरा, तो मैंने लास्ट टाइम डिसाइड किया था मैं 60 kg को एकदम मैक्स आउट कर लेता हूँ। पहले सेट में आई थिंक मेरे 12 reps निकले थे, सेकंड सेट में मेरे 9 से 10 reps निकले थे, तो क्योंकि 10 reps निकल गए थे सेकंड सेट में भी, तो मैंने इस बार ट्राई किया था कि नेक्स्ट सेशन में मैं 70 kg से मारूंगा अपना पहले सेट, एज दोनों सेट सही गए थे RP9 RP10 के कराऊँ, तो इस वाले पे 40 kg मारा एंड आई एम फीलिंग ओके, तो आई थिंक हम 70 kg ट्राई कर सकते हैं अपने पहले सेट में। सो यार लेट्स डू दिस। जब भी नया वेट बढ़ाता हूँ और पीआर मारने का होता तो तब बड़ी नर्वसनेस होती है कि कैसे जाएगा, बट अभी ठीक फील हो रहा है। लेट्स सी 30 30 60 55 70 ट्राई करने वाले हम अपना पहला सेट 70 kg के साथ। अभी एक भाई वीडियो बना रहे हैं, फिर उसको बुला रहे हैं। 1 2 8 reps नॉट बैड। मुझे था कि भाई 6 से ज्यादा आ जाएं बस, क्योंकि अगर 6 से कम आते ना या 6 तक आते तो बड़ा वो होता कि यार 60 मार लेगा, बट यार स्ट्रेंथ बढ़ी है। एंड जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने मसल मास की ग्रोथ को ट्रैक करने का बेस्ट तरीका है कि तुम्हारे वेट्स में ऊपर जा रहे हैं या रेप्स में ऊपर जा रहे हैं या फॉर्म में ऊपर जा रहे हैं। इन तीनों टेंजेंट में अगर तुम्हारा इंप्रूवमेंट है, तुम्हारा मसल मास भी बढ़ा है, तो अपना मसल मास भी बढ़ा है, ये तो कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ। क्योंकि तुम्हें याद होगा हमने 40-45 kg से स्टार्ट किया था 2-3 महीने पहले जब मैंने ये इंट्रोड्यूस की थी, एंड अब हम 70 kg से पहला सेट मार रहे हैं, तो मतलब मसल मास इंप्रूव तो हुआ है अपना। That's pretty good. इसमें मैंने थोड़ा स्लो टेम्पो पे फोकस नहीं किया है, तो नेक्स्ट जो सेट होगा उसमें हम थोड़ा और डीपर जाएंगे एंड रेप्स मैक्स आउट करेंगे। तो मोस्ट प्रोबली आई थिंक 65 या 60 kg से मारता हूँ अपना नेक्स्ट सेट, बट चलो 8 reps निकल गए भाई, दैट्स गुड, दैट्स अ गुड साइन। मैंने 5 हटाकर 2.5 kg ऐड किया। चलो भाई इस वाले में थोड़ा फॉर्म पे और रेप्स मैक्स आउट करने पे फोकस करेंगे अपन। चलो
आ जा बेटा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन वन मोर टेन गुड सेट। ऑल्सो मैं कम से कम 5-6 बार दोबारा चेक कर चुका हूँ कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। वो प्रशांत की आदत लग गई थी तो मैं भूल ही गया था ये वाला फेस, जब मैं देखा था एंगल कैसा आ रहा है। वीडियो रिकॉर्ड हो भी नहीं हो रही, ऑडियो हो भी नहीं हो रही, क्योंकि काफी बार ऐसा हुआ कि मैंने पूरा ब्लॉग शूट किया और काफी जगह ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही। बट ऑनेस्टली इसके एडवांटेजेस भी है भाई, वो ये हर चीज के एडवांटेज भी डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि काइंड ऑफ प्रशांत के साथ एक अलग वाइब थी, बट एक सोलो वाली वाइब भी मैं काइंड ऑफ मिस कर रहा था। जो अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे पता है कि मैं क्यों मिस कर रहा था। वो बहुत कोजी वाइब होती है जब सिर्फ मैं कैमरा से बात कर रहा हूं। प्रशांत का भी अलग मजा है, कितना चीप लगा है, मतलब प्रशांत के साथ शूट करने का भी अलग है, सोलो का भी अलग है, दोनों मिक्स करते रहेंगे। ये थोड़ी तुम्हें शायद नॉस्टैल्जिक फीलिंग आया, नॉस्टैल्जिक तो क्या, कौन सा मैं साल पहले बनाता था, बट यार तुम्हें थोड़ी वो पुरानी वाइब्स तो आएंगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं केबल फ्लाइज, फिर उसके बाद एक डेल्स करूंगा ताकि चेस्ट को थोड़ा रेस्ट मिल जाए, फिर इंक्लाइन फ्लाई करूंगा। बट अभी हम जाते हैं केबल फ्लाई पे। ये स्टेपर लगा दूं तो प्रॉब्लम आएगी? Yep. गुड 16 रेप्स। जिस दिन शूट करो ना, पंप अगर अच्छा मिल भी जाए तो, क्योंकि ऑलरेडी शूट ही वैसे डोपामिन ऊपर होता ना, तो वो पंप काफी क्यूट फील होता है, तो इसके बाद काफी क्यूट पंप आ गया। सेक्सी पंप AF, बढ़िया पंप्स, नाइस। क्योंकि ऑनेस्टली लास्ट कुछ हफ्ते थोड़ा वैसा फील हुआ है, वीक पुसी काइंड ऑफ कह सकते हो। आई एम ग्लैड आज व्लॉग के दिन ही हुआ है, वरना तुम्हारा भाई फेक नहीं कर सकता, शक्ल पे दिख जाता है। अगर मज़ा नहीं आ रहा होता ना तो पता चल जाता है। आज के वर्कआउट को मैं 10 नंबर का ना भी दूं, 9 से कम तो दे नहीं पाऊंगा, 9.5 पे सेट करते हैं। पंप अच्छा मिला है, फील अच्छा हुआ है। मैं ऑनेस्टली अभी बीच में ना बल्क फेस पे चला गया था, थोड़े हल्का स्लाइड 200-300 कैलोरी के सरप्लस पे, बट भाई मेरे को मेंटली अच्छा फील नहीं हो रहा था। मैं बहुत क्रैंकी हो गया था, बहुत बेकार हो गया था, अच्छा खुद को देखने का मन नहीं कर रहा था। बट यार फिर सब मैं मेंटेनेंस कैलरी पे शिफ्ट हो गया और फिर से मजा आ रहा है, वर्थ नहीं है भाई बल्क वर्क। मेंटल जितना सही रहे उतना बेटर रहता है। बाकी यार धीरे धीरे एक्स्ट्रा फैट जो आ गया था वो कम हो रहा है, मसल मास तो मेंटेन है ही यार। मजा आया भाई आज, होपफुली तुम्हें मजा आया हो। देखते हैं अभी ब्लॉग को एंड करें ना करें, अभी तो अनबॉक्सिंग करनी है। चलो भाई, फालतू का फैट आ गया बल्क से, चलो डन करते हैं।
A few moments later. So, as usual, एक प्यारे वर्कआउट के बाद हमारे पास है हमारे प्यारे ओवरनाइट ओट्स जो हमेशा की तरह ब्यूटीफुल लग रहे हैं एंड इसमें मैंने डाला है 1 स्कूप ऑफ बायोजाइम परफॉर्मेंस वे पीआर चॉकलेट फज फ्लेवर जिसके हर स्कूप से आपको मिल जाएगा 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन विद एडिशनल 3 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट प्लस उसके साथ इसमें ऐड किया गया है 50 mg ऑफ एस्ट्रोजन जो हमारे गट माइक्रोबायोम और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करेगा। सो इस प्रोडक्ट का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम इसे वहां से चेकआउट कर सकते हो एंड चेकआउट पर यू कैन यूज माई कोड आदर्श एमबी टू सपोर्ट मी एंड फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो इसको एंजॉय करेंगे और फिर अनबॉक्सिंग करते हैं। चलो सो भाइयों फाइनली 10-15 मिनट अपना प्रॉपर एंगल वेंगल डिसाइड करने के बाद फाइनली हमारा पैकेज है यहाँ पे। तुम्हारे भाई ने प्रॉमिस किया था लास्ट व्लॉग में कि तुम्हें स्टैग अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा। सो या लास्ट टाइम से देखते हैं शायद कुछ अलग हो या क्या हो, वरना मोर और लेस मेरी स्टैग सेम ही रहती है, बट या देखते हैं कुछ ये तो मुझे भी याद नहीं। मैं बोलूँगा पार्सल छोटा हो या बड़ा हो एक्साइटमेंट ऑलमोस्ट उतनी होती है, खासकर अगर वो सप्लीमेंट का डब्बा है। ओए होए होए बहुत कुछ है बहुत कुछ है। सबसे पहले ये निकालते हैं यार हम सबका फेवरेट बायोजाइन ट्रिपल चॉकलेट। इसका एक ही स्कूप बचा था तो मेरी बहन मुझे गालियां दे रही थी, तो दो बड़े डब्बे इसके हैं जो मोर और लेस एक से दो डब्बे होते ही हैं मेरी स्टैक में। नेक्स्ट अप इज हमारा फाइनली राथेक्स का, हमेशा इसका छोटा वाला मंगवाता था बट इस बारी मैंने पता है कि यही सूट कर रहा है इसीलिए मजा आ रहा है, तो आई वाज लाइक कि इसी का बड़ा वाला कंटेनर मंगवाऊंगा। नेक्स्ट अप हमारे ओमेगा 3 जो नॉर्मल फिश ऑयल आता है मसल ब्लेस का, इसमें उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ईपी और डीएचए है तो दो की जगह एक ही कैप्सूल में काम हो जाता है, तो इसलिए मैंने ये वाली मंगवाई है। ये पहले भी आती मैंने चैनल पे दिखाया। एंड चाहे तुम्हें पता है कि मैं आजकल ये मसल ब्लेस के इलेक्ट्रोलाइट्स ईडब्ल्यू वगैरह ट्राई कर रहा हूँ, तो इनका एक नया फ्लेवर आया है लेमोनेट फ्लेवर। तो जब मैं ऑर्डर कर रहा था तो मुझे साइट पे ऐसे ही पॉपअप किया कि नया नया लॉन्च किया है, तो आई वाज लाइक देखो भाई, मतलब ये सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हैं पर मैं तो मेनली टेस्ट के लिए प्रेफर करता हूँ। ये मेरा प्री वर्कआउट एक्सट्रीम 200 मैंने मंगवाया कि मैं इसको पहले बहुत यूज करता था एक्सट्रीम 200 को फ्रूट पंच फ्लेवर। ये शायद मैंने एक और मंगवाया था, मैं सोचा था अपने भाई को दूंगा, शायद मंगवाया है। मैंने अपने भाई को बोला था कि जो व्लॉग अभी देख रहा होगा उसको मैंने बोला था कि एक्सट्रीम 200 मैंने शायद एक मंगवाया दो मंगवाए, अगर दो मंगवाए होंगे तो वो तेरे को दूंगा, बट अभी तो भाई एक ही मंगवाया। ले ले भाई कोई दिक्कत नहीं है, अब तो यूट्यूब पे खुला अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, झूठ भी नहीं बोल सकता कि भाई एक ही डब्बा था, तो या ले लियो ये वाला, उस भाई को दे दूंगा मैं नेक्स्ट महीने मंगवा लूंगा। हमेशा की तरह क्रिएटिन तो भाई हर महीने एक दो महीने में लग जाता है। नेक्स्ट ये क्या है, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, मैं इसके बारे में भूल गया था। अब इसकी सॉर्ट ऑफ स्टोरी तो क्या है, मैं ज़्यादा पकाऊंगा नहीं तुम्हें, मोटा मोटा पॉइंट कि 2-3 दिन पहले मेरे जिम में जो काम करता है वो आया मेरे पास, को पता कि मैं मसल ब्लेस से साइंड हूँ, तो वो ऐसे फ़ोन लेके आया कि भाई ये क्रिएटिन कैसा है मसल ब्लेस का, तो मैंने कहा हाँ क्रिएटिन तो अच्छा है ऑब्वियसली, तो उसने कहा कि कितनी सर्विंग होती है कितने का पड़ेगा ये सब बातें की। तो जब वो सर्विंग वगैरह पूछ रहा था ये पूछ रहा था तो ना मुझे काइंड ऑफ जब भी मुझसे कोई ऐसे मसल ब्लेस के प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में बात करता है पूछता है ये कैसा है वो कैसा है, तो अगर मेरे नोन में आसपास का भाई वगैरह दोस्त है तो मेरे को हर महीने स्टैक मिलती है, तो मुझे लगता नहीं कि इतना कुछ फर्क पड़ेगा। तो मोटा मोटा अपने दोस्तों या जो क्लोज हैं भाई हो गए दोस्त हो गए तो मैं उनको बोल लेता हूँ कि भाई क्रिएटिन वेटिंग का तो तुम मुझे बता दिया करो, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ वे प्रोटीन का थोड़ा उसका वैल्यू ज्यादा है तो इसलिए मैं हर महीने ऑर्डर कर नहीं पाऊंगा, फिर वो उसमें वे प्रोटीन में रह भी जाएगा, इसके लिए मंगवाया इसके लिए नहीं मंगवाया, बट मैं उनको कहता हूँ कि अगर छोटा मोटा कोई प्री वर्कआउट है क्रिएटिन है तो वो तो तुम्हारा भाई कर सकता है तो वो बताओ। एंड काइंड ऑफ जब भी मुझसे कोई पूछता तो मुझे काइंड ऑफ एक ड्यूटी भी लगती है कि यार मेरे नोन का कोई बंदा मसल बेस यूज कर रहा है और अगर ये छोटी मोटी चीज है वो मैं ले सकता हूँ, तो पता नहीं मुझे ऐसे लगता है काइंड ऑफ कि मैं ओ करता हूँ देना क्योंकि मैं इसका वो एथलीट और मैं इसको जानता हूँ, पता नहीं मेरी फालतू के अंदर की इनर साइकोलॉजी है। बट या मैंने उस टाइम उसको कहा था कि भाई अभी रुक जा 3-4 दिन बाद एक मसल ब्लेस की सेल आ रही है उसमें ऑर्डर करियो, जो ऑब्वियसली सेल चली गई है बट मैंने उसको ऐसे बोला था कि उसमें ऑर्डर करियो थोड़ा और सस्ता पड़ेगा, एंड मुझे था कि जब अभी इस वाली स्टैक में मंगवाने वाला हूं, तो उसको एकदम से सरप्राइज करूंगा कि ये ले तेरा भाई लाया है। देखो भाई नेक्स्ट अप इज आइसो 0 लो कार्ब जिसके मैंने 2 डब्बे मंगवाए हैं आइसक्रीम चॉकलेट फ्लेवर। अब ये ना मेरा है ना मेरी बहन का है, ये है मेरे बापू के लिए मेरे पापा के लिए, क्योंकि भाई अब तो टाइम भी हो गया ये वे प्रोटीन वगैरह सुनते हुए उनको आइडिया पड़ गया कि वे प्रोटीन वगैरह नेचुरल सोर्स ही है, मेरे को ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि भाई जैसे स्टार्टिंग की मेंटालिटी होती थी, तो बड़ी मुश्किल से मैंने पापा को कन्विंस कर लिया है। तो वो लास्ट 2-3 महीने वो कभी कभी स्कूप लेते थे बट लास्ट महीने मैंने इसका एक डब्बा मंगवाया था, तो वो पापा को इसका ये आइसक्रीम चॉकलेट फ्लेवर काफी अच्छा लगा था, तो वो रेगुलरली इसके रोज सुबह अपने जो छोटा मोटा वो जिम विम करते हैं सुबह सुबह उसके बाद एक स्कूप लेते हैं वो। उन्होंने 2-3 फ्लेवर ट्राई किए थे जो हमारे घर पे अवेलेबल है बट सबसे सही उन्होंने कहा था ये आइसक्रीम चॉकलेट फ्लेवर, तो मुझे काफी पसंद आया। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम 2 डब्बे ही मंगवा लेता हूँ क्योंकि भाई मैं बस खुश हूँ क्योंकि वो मेरे पापा भाई मीठे के अल्ट्रा शौकीन है, मतलब हमारी बनती है पर इस पॉइंट पे ही नहीं बनती, बहुत चीजों में नहीं बनती होगी पर ये सबसे बड़ा राइवलरी पॉइंट है हमारा, जो फनी है ना कोई बड़ा पॉइंट भी नहीं है बट हाँ मुझे कभी इरिटेशन होती है, तो आई वाज लाइक कि भाई इनकी मीठे की क्रेविंग कम हो जाए और बस इनकी बॉडी में बस प्रोटीन सोर्स जा रहा है कैसे ना कैसे जा रहा है। एंड भाई जब से मैं किसी ऐसे मसल ब्लेस टाइप या कोई बड़े ब्रांड से एसोसिएट हुआ था तो आई वाज लाइक कि भाई अगर फ्यूचर में मैं ऐसे किसी भी ब्रांड से होऊंगा वो तो मसल ब्लेस ऑब्वियसली हो गया तो अच्छी बात है, बट आई वाज लाइक कि जब भी कोई ऐसे वेयर प्रोटीन वाला ब्रांड होगा तो या तो मुझे मेरी बहन को एंड अब इवेंचुअली पापा को किसी को भी वेयर प्रोटीन पीने के लिए
या लेने के लिए मन करे तो कभी कोई कमी ना हो, मतलब वे प्रोटीन का ऐसा होना चाहिए कि इस घर में भले रोटी दाल ना हो पर वे प्रोटीन अवेलेबल हो। तो या इसका तो काइंड ऑफ थोड़ा फ्लेक्स लेता हूँ मैं, एक टाइम पे था कि पापा से रिक्वेस्ट करते थे एंड पापा ने दिए भी यार, ऐसी बात नहीं है, जब उनको लगा कि मैं जिम के लिए सीरियस हूँ तो उन्होंने भी दिया। तो या अब हम पापा को पिलाएंगे, मैंने तो यार ये मैनिफेस्ट किया था बहुत टाइम पे, मैं सोचता था, मुझे याद है किसी बड़े यूट्यूबर, मैं नाम नहीं लूंगा, अरे ले लेता हूँ वो कोई बीस्ट है जो उड़ाता है कुछ, वो ओटमील बना रहे थे और उन्होंने कहा था यार कौन सा ओटमील यूज करूँ, कौन सा फ्लेवर यूज करूँ वे प्रोटीन का। तो ही वॉज लाइक यार यार माता रानी की कृपा से तीन चार फ्लेवर अवेलेबल है, मुझे ये माता रानी की कृपा से मैं जोक अराउंड करता हूँ, हर्ष को भी पता है वाला जो, मेरे को वो बड़ा फैसिनेटिंग और लग्जूरियस आइडिया लगा था कि भाई, क्योंकि उस टाइम तो मैं रिलेटिव भी नहीं कर सकता था, मेरे पे तो डब्बा ही नहीं था और होता भी था तो दो तीन महीना चलाना पड़ता था कोई भी फ्लेवर होता था, बट वो कह रहा था कि भाई माता रानी की कृपा से भाई तीन चार फ्लेवर है। तो मुझे काइंड ऑफ ये मैं चार पांच साल से मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैंने शायद 2017-18 में देखी थी ये वाली क्लिप, बट आई रिमेम्बर ये चीज अच्छे से, मेरे दिमाग में छपी हुई है। अगर मैंने अपनी माँ को कन्विंस कर लिया ना वे प्रोटीन लेने के लिए तब तो जीत गए भाई, कि सारी लेने लग जाएंगे फिर तो वो वाली थ्योरी खत्म। टाइम पे फेस था कि घर वालों को कन्विंस करना होता था, मैं भी उससे गुजरा हूँ भाई, जब घर वालों को कन्विंस करना होता है कि वे प्रोटीन सेफ एंड शिट। तो यार ये तो थी स्टोरी हमारी छोटी डेंटल फैमिली की स्टोरी, बाकी लास्ट में ये तो मैंडेटरी है, मैंने देखा है एक क्रिएटिन, ट्रिपल चॉकलेट और एक ये मेरा एक प्री वर्कआउट भी कह सकते हो, बट प्री वर्कआउट बिल्कुल ही वो बोलूंगा वांट नहीं है, प्री वर्कआउट मतलब नीड नहीं है वांट है, बट ये तो भाई ये नीड है भाई, ये हर बार हमारे स्टैक में होता ही होता है, तो एक भी डब्बा नहीं था तो इस बार मैंने तीन मंगवाए। बट या दिस वॉज इट, कितनी एक्टिंग कर लो कितना बन जाओ कि भाई अब तुम्हारा भाई लेजिट यूट्यूबर हो गया, ये फीलिंग तो प्राइसेस रहती है, तो हमेशा नहीं रहती है, ये तो मैं डाउन प्ले भी नहीं कर सकता, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं डाउन प्ले करूँ कि कैजुअल है ब्रो, बट हाँ हमेशा वो आ ही जाता है कि भाई सही है भाई थोड़ा। बट यार आज के लिए वीडियो को इतना ही रखे, मेरा मन था कि 3M सेशन वगैरह करूँ, क्योंकि यार बर्थडे के बाद से ना बड़ा वैसा वैसा मामला हो गया, फटाफट दिन भी चले गए, फिर मेरे को था कि व्लॉग भी नहीं बनाया बहुत टाइम से, तो व्लॉग बनाना बनता है अंदर से आ जाता है जब ज्यादा टाइम व्लॉग ना बनाना, तो ऐसा होता है कि जब बहुत टाइम से व्लॉग ना बनाया तो थोड़ा आता है कि भाई व्लॉग बना ले। बट यार 3M सेशन भी करेंगे यार, थोड़ा ओवरवेलम हो गया मामला, बट वो भी करेंगे। एंड ये थी वीडियो, होपफुली तुम्हें मजा आया, एंड तुम्हारा भाई हमेशा कहता है बट हाँ कंसिस्टेंट होगा भाई, कुछ चीजें फाइनल हो जाए बहुत चाहिए भाई, ये यूट्यूब जितना वो लगता है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड शिट है, और हम जैसे बालक जो नए नए आए भाई उनके लिए तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो बहुत सारी चीजें बैकएंड पे देखनी पड़ती है जिसके बारे में तुम्हें आगे ही बताऊंगा। बट या होपफुली ये सब बेकार बातों में तुम्हारा भाई ना घुसे और कंसिस्टेंट हो, और जो करने आए हम वो करें, अच्छी वैल्यू एड करें और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। इंडिया अभी इनको समेटेंगे डब्बा वगैरह सब, क्योंकि मेरी माँ फिर मेरे को सुनाएगी। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग।